Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. In this video, we will be talking about the Golden Gate, and this work is written by Vikram Seth. So we will be talking about the important points of this work, and as well as we will be doing a discussion over summary. So if you are preparing for any exam related to English literature like TCT, PCT or UGC NET English, it will help you definitely. सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में विक्रम सेठ क्या है, आपके इम्पोर्टेंट राइटर हैं. इससे पहले मैं इनके दो वर्क डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं. तो अगर आप लोगों को ये वर्क पसंद आते हैं तो डेफिनेटली शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को. तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को. अब आप लोगों को पता ही है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैरेक्टर से पूछे जाते हैं, डेट से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कुछ माइनर कैरेक्टर होते हैं, कुछ मेजर कैरेक्टर होते हैं. दोनों से आप लोगों को एग्जाम से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक और चीज़ है जो है आपका बैकग्राउंड ऑफ वर्क, जो वर्क का बैकग्राउंड है उससे भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं. तो ये तीन चीज़ें हम पूरे वर्क की देखेंगे और साथ में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है उन्हें भी हम देखेंगे, क्योंकि वो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये चार चीज़ें, अगर आपको एक वर्क के बारे में अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तो ये तीन चार चीज़ें अपने माइंड में रखिए. एक कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो आप लगभग जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं मेजर माइनर उन्हें आप यूज़ कर रहे हो अपने नोट्स में. दूसरा कि जो डेट्स हैं उस वर्क से रिलेटेड वो आप लोगों ने लिख ली हैं. और तीसरा जो है वो है बैकग्राउंड ऑफ वर्क. जैसा कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि द गोल्डन गेट जो है वो पब्लिश हुआ था आप लोगों का कब, 1986 को, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट नॉवेल. ये भी आप लोगों को याद रखना कि फर्स्ट नॉवेल है किसकी, विक्रम सेठ की. अब यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अलेक्जेंडर पुश्किन क्लासिकल 19th सेंचुरी रशियन सागा इन वर्ड्स यूज इन ओरिजिन. यहाँ पे जो अलेक्जेंडर पुश्किन है वो उनसे उनका एक वर्क था यूजिन ओनिजिन. ओके, आपको नोट डाउन करना है. और ये क्या है आपका, आपका रशियन वर्क है. इससे विक्रम सेठ ने क्या किया था, इंस्पिरेशन लेकर अपना जो वर्क था गोल्डन गेट, इससे इस वर्क को उन्होंने लिखा था. सेठ ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोज्ड द कैरेक्टर्स एंड एक्शन ऑफ द वर्क ऑनटू अ मॉडर्न कैलिफोर्निया सेटिंग. और उन इस वर्क की जो, अब बैकग्राउंड का मैंने आप लोगों को कहा क्वेश्चन की बैकग्राउंड से क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस कहाँ की सेटिंग यूज की गई है. कैलिफोर्निया की सेटिंग यूज की गई है इस वर्क में. लाइक पुश्किन सेठ आल्सो कंपोज्ड इन वर्ड्स. और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज इस वर्क के बारे में यह है कि ये वर्क किस में लिखा गया है, वर्ड्स में यूज हुआ है. स्ट्रक्चरिंग हिज ओन वर्क यूजिंग पुश्किन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स मीटर एंड राइम स्कीम्स. जो कॉम्प्लेक्स मीटर और राइम स्कीम पुश्किन ने यूज की थी, जो राइटर थे किसके, यूजिन ओनिजिन के. अब मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ कि जो भी आपका ये वर्क होगा 15 to 20 minutes उसमें आपको ये वर्ड्स आप बहुत बार सुन लो और वो आपको यहीं पर याद हो जाए. तो पुश्किन ने क्या यूज किया था, एक जो उनका वर्क में यूज किया था उन्होंने वर्ड्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स मीटर और राइमिंग स्कीम उन्होंने यूज की थी. वही राइम स्कीम और वर्ड्स फॉर्म किसने यूज की है आपकी, विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट में यूज की है 1986 में. द गोल्डन गेट इज रिटन इन 590 ओनिजिन स्टेंजास. उन्होंने 590 ओनिजिन स्टेंजास में इसको लिखा था. अ स्पेशल काइंड ऑफ सोनेट, अ 14-line poem दैट यूजेस आइम्बिक टेट्रामीटर. इसमें उन्होंने क्या यूज किया है, आइम्बिक टेट्रामीटर यूज किया है. Each line has four sets of stress-unstressed syllable combination. Within each sonnet lines 1, 3, 5, 6, 9, and 12 add an extra unstressed syllable. Lines with added syllable create double feminine rhymes. यहाँ पे एक चीज और है, आपको दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी. एक है आपका feminine rhyme उन्होंने use किया है, दूसरा उन्होंने मैस्कुलिन राइम्स यूज किया है. फेमिनाइन राइम क्या होता है, राइम्स दैट एंड ऑन अनस्ट्रेस सिलेबल. आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या, जो राइम क्या कहाँ पर एंड होती है,
अनस्ट्रेस सिलेबल पे एंड होती है उसे हम फेमिनाइन राइम कहते हैं। मैस्कुलिन राइम किसे कहते हैं? राइम्स दैट एंड ऑन स्ट्रेस सिलेबल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑफुल। सो ऑफुल एंड जॉफुल ये क्या है आपके जो एंड हो रहा है ये जो सिलेबल है आपका ये क्या है आपका अनस्ट्रेस सिलेबल है। जैसे फुल में हमारा क्या होता है इसे हम स्ट्रेस नहीं करते हैं तो अनस्ट्रेस सिलेबल है। यहाँ पे आपका क्या है एड और बेड, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहे हैं लास्ट के जो सिलेबल है वो क्या है आपके स्ट्रेस्ड सिलेबल है, उन पे हम स्ट्रेस डाल के पढ़ते हैं। तो इसलिए बीहेड एंड टू बेड तो दोनों के दोनों क्या है आपके स्ट्रेस सिलेबल है। तो इस तरह के सिलेबल जो होते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन राइम्स कहते हैं। और जो इस तरह का होता है ऑफुल मीन्स अनस्ट्रेस्ड होता है वो आपका क्या होता है फेमिनाइन राइम होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी, ये सब बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। द राइम स्कीम इज ए बी ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी। तो ये आपको राइम स्कीम इसमें यूज की गई है। The uppercase letters are feminine rhymes and the lowercase are the masculine ones. तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि जो आपके uppercase में लिखे गए हैं वो feminine में हैं, lowercase वाले masculine हैं। The entire book maintains this sonnet form और पूरी जो book है उसमें आपको sonnet form देखने को मिलेगा। Even sets, dedication, acknowledgements, contents and about the author sections are written in words. ये सारी चीज़ें भी उन्होंने क्या की हैं वर्ड्स में ही लिखी हुई है। अब एक चीज़ है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है तो इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा ज़्यादा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जितना भी हो सके आप इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। जब हमारा एग्ज़ाम था या जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे मैं खुद फील करता हूँ कि वो पेपर आज के लेवल पे इजी था। इसलिए जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल पाएँ। आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट करनी है और खुद से इन लोगों इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखना है और प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग देखेंगे कि जब एग्ज़ाम आपके आ जाएगा तब आप तैयारी करेंगे 2-3 महीने की, तो मैं आप लोगों को अभी से सजेशन दे दूँ कि इतनी तैयारी हो नहीं पाती है 2-4-6 महीने में। तो आप अभी से तैयारी पे जुटे रहिए और डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो लंबी रेस में जिसे दौड़ना है उसे अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है। तो तैयारी अभी से जारी रखिए, जब आपका एग्ज़ाम आता है अगर लेक्चरर का या एलटी का नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है तब तक आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। The novel contrasts its lofty epic style with the mostly everyday events in chronicles. अब यहाँ पे आपको lofty epic style तो मिलेगा लेकिन साथ साथ में आपको everyday events इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। Set follows the lives of a group of successful EP friends in San Francisco in 1980s. तो जो time है setting है वो कब की है 1980 की है और San Francisco की सेटिंग है इसमें जो कैलिफोर्निया हमने ऊपर बात की थी। देयर लाइव्स आर फाइनेंशियल स्टेबल। अब इनकी जो लाइफ है वो क्या है फाइनेंशियल स्टेबल है। जो ईपीज हैं उनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। सो द ड्रामाज एंड स्ट्रेसेस दे एक्सपीरियंस टेंड टू बी रोमांटिक पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिक इन नेचर। अब क्योंकि उनके पास क्या है फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ है सभी जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं तो उनकी जो लाइफ है वो कैसी है रोमांटिक है पॉलिटिकल है एंड फिलोसॉफिक है। अगर हम नेचर की बात करें वर्क के क्रिटिक्स डिस्क्राइब द नॉवल एज द लव लेटर टू नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ऑफ दिस टाइम बिफोर द फुल एक्सटेंशन ऑफ सिलिकॉन वैली एंड द ग्रोइंग इकोनॉमिक गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स इन सैन फ्रांसिस्को इटसेल्फ। द नॉवल ओपन्स ऑन जॉन ब्राउन। तो अब हम स्टोरी देख रहे हैं नॉवल की तो यहाँ से शुरू होती है आपकी कैरेक्टर की कहानी। तो कैरेक्टर कौन है आपका सबसे पहले ये जॉन ब्राउन से शुरू होता है। अ 26 ईयर ओल्ड कंप्यूटर इंजीनियर। तो जो जॉन ब्राउन है वो आपका कौन है 26 ईयर का है और दूसरी चीज ये है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है। हु वेल एस्टैब्लिश्ड इन हिज ग्रोइंग फील्ड नाउ रियलाइजेस दैट ही वुड लाइक टू बी इन अ रिलेशनशिप। अभी वो क्या है अपना ग्रोइंग फील्ड उसने इस्टेब्लिश कर लिया है और मींस जो उसका ग्रोइंग फील्ड है वो उसमें वो इस्टेब्लिश हो चुका है
अब वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए. व्हेन ही कंप्लेन्स अबाउट हिज लोनलीनेस टू हिज फ्रेंड एंड फॉर्मर गर्लफ्रेंड जेनिट हायाकावा स्कल्प्टर एंड ड्रमर फॉर अ बैंड कॉल्ड लिक्विड शेप, शी एडवाइजेज हिम टू एडवर्टाइज इन अ क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर. तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले, उसका नाम है जेनेट. तो जेनेट उसको सजेशन करती है, वो जब उससे बताता है अपनी लोनलीनेस के बारे में, तो जेनेट उसे सजेशन करती है कि एक काम करो, क्लासिफाइड में एक ऐड दे दो अपने बारे में. जॉन लाफ्स ऑफ द आइडिया. पहले तो जॉन को लगता है, जो जॉन ब्राउन है वो पहले तो हंसता है इस बात पे, बट जेन डज इट एनीवे. और उसके बाद क्या करते हैं, इसे करते हैं और डिस्क्राइबिंग हिम इन अ बे गार्जियन एज वेल राउंडेड एंड वेल मीनिंग स्क्वायर लस्टिंग फॉर लव. तो ये उसने डिस्क्रिप्शन दिया था जॉन ब्राउन का, जो क्लासिफाइड था क्लासिफाइड में. जॉन गेट्स मैनी रिस्पॉन्सेस. यहाँ पे जेन को, जॉन को क्या होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स मिलते हैं. The one that sticks out is Liz Doherty. और Liz Doherty उससे मिलती है. A trial lawyer who went to Stanford. यहाँ पे क्या है, एक trial lawyer है जो कि जिसका नाम है Liz Doherty, और Liz Doherty उससे मिलती है. John, Liz and Liz get together. Their relationship at first amazing because they are extremely sexual compatible. और उनकी जो relationship है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी चलती है शुरुआत में. दे गेट एन अपार्टमेंट. वो एक अपार्टमेंट ले लेते हैं एट फर्स्ट. देयर ओनली डिसएग्रीमेंट स्टेम फ्रॉम जॉन्स डिसलाइक फॉर लिज कैट चार्ली मंगेन. सो उसकी एक बिल्ली है, कैट है उसकी लिज की, जिसपे उस जो किसको पसंद नहीं है, जॉन को. यही उनका फर्स्ट क्या था, डिसएग्रीमेंट था. विद एन एनकाउंटर लिज ब्रदर एड. अब लिज का एक भाई है जिसका नाम है एड. ये आपका थर्ड कैरेक्टर है, हु इज इन द मिडल ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. और उसकी लाइफ में क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मींस वो किस तरह का इंसान है, उसको अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो झेल रहा है. ही इज बोथ अ स्टाउंच कैथोलिक. वो बहुत ज़्यादा कैथोलिक है, और कैथोलिक जो होते हैं वो अपने मीन्स हम कह सकते हैं कि लिबरल नहीं होते, वो अपने रूल्स पे बहुत ज़्यादा टिके हुए होते हैं. प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो ज़्यादा लिबरल होते हैं. क्रिश्चियन माइथोलॉजी या हम क्रिश्चियनिटी में बात करें तो कैथोलिक, वो कैथोलिक है, अपने रिलीजन्स के लिए डेडिकेटेड है एंड क्लोज्ड गे. और वो क्या है, गे भी है, साथ में क्या है, गे है. तो इससे उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है. एक तो अपना रिलीजियस उससे बंधा हुआ है, और दूसरा वो खुद में क्या है, एक गे है. ही इज लिविंग इन अ विशियस साइकिल, हैविंग सीक्रेट पैशनेट सेक्स विद हिज लवर, देन फीलिंग टेरिबल सेल्फ हेटर्ड आफ्टरवर्ड फॉर हैविंग कमिटेड अ सिन. सो फर्स्ट ही हैड अ सीक्रेट पैशनेट सेक्स विद हिज फ्रेंड, एंड देन लेटर ही इज यू नो हैविंग सेल्फ हेटर्ड. तो यहाँ पे एक वर्ड है सेल्फ हेटर्ड, मीन्स वो खुद से अब क्या करता है कि उसने पाप किया है, वो ये ऐसा सोचता है, और वो इस बारे में क्या करता है, खुद को डिसाइड नहीं कर पा रहा है. वी ऑल्सो मीट जॉन्स रिसेंटली डाइवोर्स फ्रेंड फिल. यहाँ पे जॉन, जो जॉन ब्राउन था, उसका एक डाइवोर्स फ्रेंड है फिल, उससे उसके बारे में देखते हैं. हु इज रेजिंग हिज यंग सन पॉल, और उसका एक बेटा भी है जो कौन है, पॉल. As a single parent, since his wife decided to move back to East Coast, उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है. तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमें मिला है फिल, और उसका बेटा जो है पॉल है. Trying to find himself, Phil quits his solid job in order to join the movement protesting nuclear weapons. और जो फिल है वो क्या करता है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए क्या कर रहा है, अभी प्रोटेस्ट कर रहा है. He spends his days at rallies. Much of John's confusion. Why couldn't Phil just do his protesting as a side hobby? तो यहाँ पे क्या है, अभी जो जॉन है वो सोचता है फिल के बारे में कि फिल को क्या करना चाहिए, जो ये प्रोटेस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, एज अ साइड हॉबी वर्क करना चाहिए. लिज एंड जॉन
threw a party in their new apartment to celebrate their engagement. लिज और जॉन ने क्या किया, अपने एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ पे उनकी एंगेजमेंट हो रही है, ध्यान ध्यान रखना आप लोगों को. अब जो स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है. लिज और जॉन ने क्या कर दिया, एंगेजमेंट कर लिया. वहाँ पे फिल और एड मिलते हैं. फिल मीट्स एड एंड दे एंड अप इन बेड टुगेदर. एज वी नो दैट ही वॉज अ गे पर्सन. तो यहाँ पर क्या है, फिर से दे हैड यू नो अफेयर देयर. So from there, their relationship grows into a romance. Meanwhile, Liz and John marry. और इसके बाद क्या हो गई है, John और Liz शादी कर लेते हैं. The two couples decide their various philosophies of life, united in a shared purpose of trying to find personal fulfillment through self-actualization. अब दोनों के दोनों self-actualization के लिए work कर रहे हैं. Soon, however, the honeymoon period of their these relationships ends. And as both couples face irreconcilable problems and difficulties, अब दोनों के दोनों को क्या होने लग गई है, एक दूसरे के जो decisions है उससे क्या हो जाता है, problems face करना शुरू कर देते हैं. Phil realizes that Ed can never fully commit to their relationship. अब Phil को लगता है कि जो Ed है, क्योंकि Ed का क्या चल रहा है, existential problem चल रही है उसको. वो अपने आप में कैथोलिक है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है कि ही इज़ अ गे पर्सन. सो फिल को ये बात समझ आ जाती है, बिकॉज एड कैन नेवर फुली ओवरकम दिस सेल्फ हेटर्ड दैट ही फील्स एज अ क्रिश्चियन. ओवर टाइम इट बिकम्स क्लियर दैट एड डजंट इवन रियली वॉन्ट टू ट्राई. द कपल ब्रेकअप बिकम्स इनविटेबल. और दोनों जो कपल है, दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं, फिल और एड. Liz and John meanwhile find themselves arguing more and more over their radically different political views. अब जो John और Liz हैं, जिनकी की शादी हो चुकी है, दोनों के दोनों भी अपने political views की वजह से क्या हो गए हैं, problem face कर रहे हैं. या हम कहें कि दोनों के बीच में अब arguments बढ़ते जा रहे हैं. John has left his IT job in order to work for a defense contractor. अब जो जॉन है वो एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या कर रहा है, जॉब करना उसने शुरू कर दिया है. व्हाइल लिज हैज ग्रोन इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व विद द सेम एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट दैट फिल हैज एम्ब्रेस्ड. सो फिल ने क्या किया है, जो एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट ज्वाइन किया है उसमें इंटरेस्टेड कौन हो गया, लिज हो गया है. और जो लिज है और जॉन है, दोनों के बीच में क्या हो गई है, प्रॉब्लम चल रही है, उनके पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट हो चुके हैं. व्हाइल लिज कैन नॉट रैप हर माइंड अराउंड जॉन्स एबिलिटी टू वर्क फॉर अ गवर्नमेंट विलिंग टू डिवेलप सच हॉरिफिक वेपनरी, जॉन फॉल्स विक्टिम टू अनफाउंडेड जेलेसी. तो यहाँ पे क्या है कि अब लिज जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, जॉन से दूर होती जा रही है, क्योंकि वो सोचती है कि जो ये न्यूक्लियर वेपनरी है, इस तरह के वर्क में उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. एंड देयर मैरिज डिसॉल्व्स. और उनकी जो मैरिज है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. स्टिल ऑल्दो दीज फर्स्ट रिलेशनशिप्स फॉल अपार्ट, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रिशफल्स इनटू न्यू कपल्स दैट आर मच मोर डेस्टाइंड फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंड सक्सेस. अब यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है, जो फर्स्ट रिलेशनशिप है, वो सब क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. बट जो उनका जो फ्रेंड्स थे वो रिशफल हो जाते हैं और उनके जो न्यू कपल्स बन जाते हैं. लिज और फिल दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं. लिज एंड फिल कनेक्ट ओवर देयर शेयर्ड एक्टिविज्म. अब क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनका जो शेयर्ड एक्टिविज्म है उसकी वजह से वो साथ में हो लेते हैं. Eventually falling in love and getting married, और Liz और Phil की अब क्या हो जाती है, शादी हो जाती है. Meanwhile, John confides about his marriage to Janet, and these old friends find themselves once again falling in love as they had when they were young. अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, शुरुआत में हमें पता चला था कि John की जो पुरानी girlfriend थी वो थी आपकी Janet, और Janet के साथ में उसकी फिर से क्या हो जाती है, शादी हो जाती है. John's न्यू फाउंड हैप्पीनेस इन इज पल्पेबल, और
उनकी जो नई हैप्पीनेस है वो क्या है, पल्पेबल है, बट द नॉवल रेजिस्ट गिविंग हिम अ हैप्पी एंडिंग. इंस्टेड अब्रप्टली जेनेट इज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट. अब ये क्या होता है कि जो जेनेट है वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में. एंड ग्रीविंग जॉन इज इन्वाइटेड बाय फिल एंड लिस्ट टू बी देयर न्यू बॉर्न सन्स गॉड फादर. और जॉन को क्या किया जाता है, वहाँ पे इन्वाइट किया जाता है, फिल और लिस्ट का एक बेटा भी हो जाता है. तो हमने देखा कि इसमें आप लोगों के जो कैरेक्टर हैं वो आप लोगों को पता चल गए होंगे, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, और कुछ इवेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने देख लिए, साथ में बैकग्राउंड जो है उसे आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट. अब अगला जो राइटर है, क्योंकि इस राइटर में हम थ्री वर्क विक्रम सेठ के कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, अब हम अगला राइटर कौन सा लेंगे, और उसके लिए आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.